Hello घरवालों, hi lovely people, hi and welcome back to our channel. We are Bong girlZ and today we are here with our new video. तो आज हम देखने वाले हैं पुष्पा मूवी का एक सॉन्ग जो कि मतलब कुछ वीक्स पहले निकला है, 2 वीक हो गए हैं। सामी सामी है हाँ सॉन्ग का नेम एंड ये यहाँ पे स्टारिंग किया गया है अल्लू अर्जुन सर को एंड रश्मिका मंदाना मैम को, जो दोनों हमारे ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा उन्हें हम मतलब दोनों को नहीं, रश्मिका मंदाना मैम को नहीं बट अल्लू अर्जुन सर को हम बहुत पहले से देख रहे हैं एंड सभी देख रहे होंगे। यस, कुछ नया बोलो। अरे तुम बोल दो, चलो छोड़ो सॉन्ग देख लेते हैं। अच्छा ऐसे करते हैं अपनी बहन के साथ, अच्छे से पेश आया करो। तू मुझे पैसे देती है ना अलग से। बोल बोला जल्दी, 1 2 3 स्टार्ट बोलना पड़ता है, उसके बाद इसको वो भी पता नहीं। नो अम्मी अम्मी अंदाज़े नहीं पहला नहीं कोई ना तुम मेरा सामी ना सामी हाय सामी सामी अंदाज़े ना पहले मिटे लेकर सकन गुंदेरा सामी प्रसाद देवी प्रसाद तो। अरे देखा पिंकल पैदा का पंचनू इतने कड़ते। अरे ये वाला लुक ना इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। यस को आने वाली ये वाली मूवी। किसने बोला? यहाँ पे लिखा, इसने नहीं देखा। मुझे मुझे बट इस ट्रेलर 7 महीने पहले ही आ गया था तो। सबके साथ साथ हम पता है कि ये वाली एक एक्शन मूवी होने वाली है एंड हम पूरे सॉन्ग में रश्मिका मैम को ही बोलते रहे बट तुमने अल्लू अर्जुन सर को देखा ही नहीं फिर तो। हाँ उनका स्वैग भी बहुत ही ज्यादा फारू था यार। सर का मतलब उनका पार्ट बहुत कम था सिर्फ उनकी प्रेजेंसेस को मुझे बोल नहीं दूंगी तुम। सर का ना एक फिल्म है मुझे नहीं पता वो मतलब उनके लैंग्वेज में क्या बोलते होंगे बट लकी द रेसर नाम का एक मूवी है हिंदी में मतलब डब क्या हुआ तो वो हमने कितने बार देखा हम बता नहीं सकते। एटलीस्ट 25 या 30 टाइम तो देख ही लिया होगा अभी तक वो भी टीवी में। तो सोचो कितना ज्यादा वो कितना ज्यादा फेमस मूवी हो सकता है कि वो बार बार 2 दिन बाद दे देते हैं वो लोग। और यवड़ू में भी उनका पार्ट बहुत तगड़ा था बहुत ही ज्यादा। एंड देन कौन सा वाला मूवी है डीजे। हाँ डीजे भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड लास्ट वो जो उनका रिसेंटली आया अलापुरम ओ हाँ मगर उसके बाद भी अगर कोई मूवी निकली है तो हमने नहीं देखा है क्योंकि वो पुरानी मैं रश्मिका मैम के गीता गोविंदम एंड डियर कॉमरेड स्पेशली डियर कॉमरेड इज लाइक ऑल इंडिया मतलब इंटरनेशनली वो वायरल बहुत ही ज्यादा मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा फेमस गया है दैट्स व्हाई हमें बहुत ज्यादा पसंद आया बट उन दोनों का कितना ज्यादा मतलब उसमें जो केमिस्ट्री था ना उस वजह से और ज्यादा वो मुझे लगता है कि मूवी फेमस गया है एंड ऑब्वियसली फॉर द कॉन्सेप्ट। एंड यहाँ पे लाइक हम दोनों के वो फेवरेट 2 जोड़ीज है तो आई एम होपिंग कि ये वाली मूवी भी बहुत ज्यादा फारू होने वाली है यार। ट्रेलर बहुत फारू थे और हम लोग नहीं छोड़ने वाले ट्रेलर यहाँ पे। एंड जो यहाँ पे सिंगर थे यार उनके वॉइस में इमोशन था इमोशन हर एक जगह पे। एंड वो ना एक आपको ना फंकी वाइब देता है जो मतलब आपको आप गाना करेगा कि आप डांस करो उसके साथ। आप सुनते ही समझ जाओगे कितना अच्छा लगा। हमारे यहाँ पे पीछे स्पेस नहीं है अगर होता तो नाच के दिखा देते आपको क्योंकि really नाच के दिखा देते मतलब क्या नहीं हमें सच में बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। ग्रुप करने का मन कर रहा था मगर नहीं कर पाए सॉरी। एंड हमने सोचा था क्योंकि एक लिरिकल वीडियो होगा तो एज यूजुअल थोड़ा बहुत लिरिक्स होगा तो जैसे हमने सरंगधरी में भी देखा था कि थोड़ा थोड़ा लिरिकल पार्ट होता है एंड देन बैकग्राउंड में जो हुआ था उनके बिहाइंड द सीन्स दिखाते हैं तो वी थॉट कि समथिंग लाइक दैट बट फर्स्ट में जब स्टार्ट हुआ उनके डांस के साथ तो हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया माइंड से। अच्छा चलो नहीं ऐसा भी हो सकता है। एंड कास्टिंग के लोग इतने ज्यादा मस्ती कर रहे थे तो बोलना चाहती थी। एंड दैट कोरियोग्राफर से लेकर डायरेक्टर जब सामी सामी बोलने के बाद वो रश्मिका मैम को लाइक ऐसे ऐसे डांस कर रही है लाइक वो देख के सबसे ज्यादा मजा आया कि वो लोग भी बहुत ज्यादा मजा कर रहे थे। और यही अच्छी मतलब खास बात होती है ना कि जैसे आपको भी पता चलता है कि और ये सब सॉन्ग्स ही तो होते हैं ना जो मूवी आने से पहले आपको फोर्स करती है कि चलो देखेंगे ये वाला मूवी। और अगर वो लोग ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करते हैं अगर वो आप देख पाते हो तो आपके एक्साइटमेंट लेवल यार और ज्यादा बढ़ जाती है। एंड हमें बहुत ही सैड फीलिंग हो रही है क्योंकि हम तो हिंदी में डब होने के बाद ही देख सकते हैं। आप लोग बहुत स्पेशल हो काश लकी यस काश हम समझ पाते ये वाली लैंग्वेज तो बट वी थिंक सामी मीन्स इट्स स्वामी या ये फील हो रहा है। आई डोंट नो कि हम कंफर्म कर लेंगे किसी से पूछ के या फिर आप लोग कमेंट में बता देना कि सही का ये वो वाला सामी हाँ दोनों कनेक्टेड है या नहीं। तो हमें बहुत अच्छा लगा एंड स्पेशली आप हमारी बातें सुन के ही समझ सकते हैं हम कितना ज्यादा एंजॉय किया है इस सॉन्ग में। ओके थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टिल द एंड और प्यार स्प्रेड करते रहो ऐसे ही बरसाते रहो एंड hope you enjoyed our video too and share this if you enjoyed and if you connected if you feel connected क्या बोल रही हो if you felt connected अगर यहाँ पे लगी दिल पे लगी हो तो ओके बाय बाय वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बाय बाय एंड हमें और ज्यादा प्यार करते रहिए ठीक है। गमला लाके दो तेरे को नहीं मेरे को तो प्यार का कुआं चाहिए जिसमें मैं डूब के मर जाऊँ। बाय।